स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करो। सही है भैया। अरे फ्लैशलाइट जला लेता है यार दीवाने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अहमद। तो फ्रेंड, आपको हमारे काफी दिनों से जो है ब्लॉग देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। असल में हमारे साथ कुछ इशू था, और वो इशू ये था कि हमारे जो है एग्जाम थे और उसी की जो है प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए थे। तो गाइज, अब से जो है हमारे आपको हर वीक जो है 2 से 3 ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो गाइज, आपके लिए एक गुड न्यूज ये है, इसी वीडियो में हमने जो है वन प्लस का नोट 2 मंगा लिया है, जो कि अभी डिलीवर हुआ है, और इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और इसी से जो है आपको आने वाले व्लॉग मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलते हैं फिर। तो फिर आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि हाँ फोन का कलर जो है कौन सा मंगाया हमने। तो लेट्स गो राइट नाउ भाई, मुझे स्टार्ट। तो फिर आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और पहले खोलते हैं इसको। पहले ही जो है हमारे पास है फोन, और इसको रख देते हैं साइड में और बाकी और चीजें देखते हैं कि हाँ क्या क्या चीजें इसमें हैं। पहले ही वन प्लस का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके अंदर है हमारा केस। केस काफी हद तक जो है अच्छी क्वालिटी का है वैसे, और इसमें कुछ मैनुअल्स, इसके स्टिकर्स हैं ये, और बाकी कुछ मैनुअल्स, इसका मेंबरशिप कार्ड है ये, अगर और फोन कभी लेंगे फ्यूचर में। फिर इसमें आता है इसका चार्जर, जो कि 65 वाट का है और इसमें रेड कलर की एक है ये केबल टाइप सी, जो कि 20 मिनट में जो है 0 से 100 कर देता है। तो फिर देखते हैं फोन को, इसे करते हैं साइड में। और अभी ये जो है रेपिंग में है, और इसकी रेपिंग निकाल लेते हैं। बाकी हमने जो इसका कलर ऑर्डर किया था वो ब्लू हेज किया था, और वही कलर जो है हमें देखने को मिला है। और इसका जो ये प्राइमरी कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल में है, और इसकी बैटरी 4500 mAh में है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं पहले। जैसे कि ये वन प्लस का लोगो, और आपको दिखाते हैं ये ओपन होने के बाद। सो इसका जो है हमने पूरा सेटअप कर लिया कंप्लीट, और बाकी अब आपको दिखाते हैं इसके फोटोज जो है किस तरीके से क्लिक होते हैं, क्योंकि एज ए ब्लॉगर सिर्फ हम इसका कैमरा ही टेस्ट करेंगे। तो अब आपको मैं फोटोज दिखाता हूँ क्लिक कर। तो ये जो व्लॉग शूट हो रहा है अब ये वन प्लस के ही कैमरे से हो रहा है। डेफिनेटली अब आपको क्वालिटी बेहतर ही लग रही होगी, क्योंकि मैंने भी चेक की है, क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये अभी जो है बोकेक मोड पे हम जो है इसको शूट कर रहे हैं। सो जब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे, जब बिल्कुल मतलब नॉर्मल पे करेंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी में और भी इनहेंस हो जाएगा। तो अब आप पुराने व्लॉग्स भी हमारे देख सकते हैं, क्योंकि पुराने व्लॉग जो है हम दूसरे फ़ोन से शूट करते थे, तो उसमें क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती थी। सो डेफिनेटली अब आपको बेहतर क्वालिटी ही मिलती रहेगी। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा था, जो अभी आपने देखी है, वो पहले मैं फ्रंट कैमरे से कर रहा था, उसके जो बोकेक मोड पर था, वो भी नॉर्मल नहीं था उसका। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये इसके रियर कैमरे से है, जो कि काफ़ी हद तक जो है इसकी क्वालिटी बेहतर ही है। इसकी जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी इस फ़ोन की, वो यहाँ पर की थी। अभी जो है सारा कुछ यहीं पर रखा है, और वो छत पर ही की थी घर के। तो फिर अभी चलते हैं फिर नीचे, थोड़ा हमारा टेस्ट भी है और बाकी हमारे इधर ये। हाँ भाई, किस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है आपका? भाई एग्ज़ाम का डिस्कशन चल रहा है, संडे में हमारा एग्ज़ाम है। अच्छा अच्छा, नीट के पैटर्न पे एग्ज़ाम होना है, 180 मार्क्स का, भाई सोच रहे कैसे करें पेपर। अच्छा भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया। डिस्कस कर रहे थे भाई। तो भाई इस तरीके का व्यू है हमारे ऊपर का भी, काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं, उधर भी साइड में सारा पीछे तक जो है लगा रखे हैं इधर। तो अभी ऊपर चलते हैं और यहाँ से भी व्यू चेक कराता हूँ मैं आपको। ऊपर चलें भाई। ये बहुत पुरानी चेयर है मेरी, कुछ इस तरीके का व्यू है हमारी छत से ऊपर, जो मैं बिल्कुल जो है टॉप पर आ गया हूँ यहाँ पे, और इधर सनसेट है। जूमिंग भी बढ़िया है यार इसका, काफ़ी बेहतर लग रहा मुझे। और गाइज आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ किस तरीके की क्वालिटी आपको लग रही है।
तो नमाज का जो है टाइम होने वाला है, अजान भी लगने वाली है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। ये व्लॉग जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, ये कोचिंग के बाद ही स्टार्ट किया था हमने, तो एटलीस्ट ये 5 से 6 मिनट का ही हो पाएगा। तो अब आपको और भी व्लॉग देखने को मिलेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फिर चलते हैं अब रूम में नीचे और नमाज के लिए भी तैयारी करते हैं।